दोस्तों हमारी किडनियां हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। ये हमारे शरीर के बहुत ही ज्यादा जरूरी फंक्शंस चुपचाप बैठे बैठे करती रहती हैं। इसीलिए अगर हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई होती है तो हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। किडनी की बीमारियों के सिम्टम तब तक नहीं आते जब तक किडनियां फेल ना हो जाएं, पर इसके बाद काफी लेट हो चुकी होती है क्योंकि किडनी फेलियर का एलोपैथी में कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसीलिए हमारे किडनी के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमें अपना सालाना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। किडनी फंक्शन टेस्ट आपके लिए तब जरूरी है जब आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल इसे आपको सजेस्ट करता है, या फिर अगर आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इसी तरीके की बीमारियां हैं तो अभी आपको सालाना किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। और वो इसलिए ताकि आपकी किडनी की बीमारियां शुरुआती स्टेज में ही पता चल पाएं और किडनी का इलाज बहुत अच्छे से किया जा सके। किडनी की बीमारी जितना लेट से पता चलेगी उतना ही ये कम चांसेस हो जाते हैं कि आपकी किडनियां फिर से ठीक हो पाएंगी। अगर आपको कुछ तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा हो, आपको बार बार यूरिन करने की जरूरत महसूस हो रही हो, आपको यूरिन करते वक्त दिक्कत आ रही हो या यूरिन करते वक्त दर्द हो रहा हो, आपके हाथ पैर या चेहरे में स्वेलिंग सी आ गई हो। साथ ही में हमने आपको पहले बताया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहने लगा है तो अभी आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराना जरूरी है। अगर इनमें से 3-4 सिम्टम आपको महसूस हो रहे हैं तो आपकी किडनियां खराब हो सकती हैं। चलिए जानते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है यूरिनालिसिस। यूरिनालिसिस में आपके यूरिन में प्रोटीन और खून को जांचा जाता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपके यूरिन में प्रोटीन लीक होना चालू हो गया हो। ये किडनी की फेलियर के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन भी हो गया तो अभी आपके यूरिन में प्रोटीन बढ़ता जाएगा। अगर आप ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो अभी ऐसा पॉसिबल है। ऐसे में लैब वाले आपके 24 घंटे का यूरिन सैंपल ले लेंगे और साथ ही साथ वो ये भी चेक करते रहेंगे कि आपके यूरिन में क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी ज्यादा क्लियर हो रही है। क्रिएटिनिन हमारे शरीर द्वारा पैदा की गई एक ऐसी गंदगी होती है जो हमारे शरीर के मसल्स टूटने से हमारे शरीर में बनती है। दूसरा किडनी फंक्शन टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट। आपके ब्लड का एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जिसमें जांचा जाता है कि आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी ज्यादा है, यानी कि आपके खून में क्रिएटिनिन की मात्रा कितनी ज्यादा है। किडनी अगर ढंग से काम कर रही हो तो आपके खून से क्रिएटिनिन निकालकर यूरिन के द्वारा बाहर कर देती है, पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। एक आम आदमी का क्रिएटिनिन लेवल 1.2 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से हाई नहीं होना चाहिए। औरतों में इसकी मात्रा 1.4 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही में एक और टेस्ट किया जाता है जिसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कहा जाता है। इस टेस्ट में आपके खून में मौजूद तरह तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स को चेक किया जाता है। यूरिया नाइट्रोजन भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो प्रोटीन के टूटने से आपके शरीर में बनता है। अगर आप तरह तरह की एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो अभी आपका BUN बढ़ सकता है। इसीलिए कोई भी ऐसा टेस्ट कराने से पहले आपको अपने मेडिकल चेकअप वाले को ये बताना पड़ेगा कि आप इन तरीके की एंटीबायोटिक भी खा रहे हैं, ताकि अगर आपके शरीर में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में निकल गया तो उसे किडनी फेलियर के लक्षण ना समझा जाए। पर किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है eGFR। ये किडनी फंक्शन टेस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। ये जांच के बताता है कि हमारी किडनियां कितनी अच्छे से हमारे शरीर से वेस्ट को फिल्टर कर रही है। हर इंसान का परफेक्ट eGFR नंबर अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपके जेंडर पर, आपके रेस पर, आपकी हाइट पर, आपके वेट पर और आप किस तरीके का खाना खाते हैं उस पर। अगर आपका eGFR नंबर 60 से कम आ रहा है तो ये बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है कि आपको किडनी की बीमारियां हो रखी हैं। इन टेस्टों को करने के लिए ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दिए जाते हैं। ज्यादातर मामलों में इन्हीं दोनों सैंपलों से आपके किडनी फंक्शन के सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों आज ही अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं, और अगर आपको अपने किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो आपको तुरंत ही कर्म आयुर्वेदा को नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबरों पर फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल कर लेना चाहिए। यहाँ कर्म आयुर्वेदा में डॉक्टर पुनीत धवन और उनकी एक्सपर्ट टीम डेली न जाने कितने ही किडनी के पेशेंटों की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं विनु गले, कैंगले विनु, क्या नाम है विष्णु? वेनु केंगले। कहाँ से हैं? हम अभी फिलहाल अम्बरनाथ में रहते हैं। अम्बरनाथ कहाँ पड़ते हैं? अम्बरनाथ कल्याण के थोड़ा सा आगे। कल्याण महाराष्ट्र? हाँ, महाराष्ट्र। कल्याण महाराष्ट्र से आगे। जब आए थे तो विनु कंगले को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा था?
उनका किडनी जो है राइट वाला किडनी उसमें स्वेलिंग आ चुकी थी, इन्फेक्शन था, उसकी वजह से वो सिकुड़ गया था और उसका फंक्शनिंग कम हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको किडनी रिमूवल का सजेशन दिया है। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा होगा, क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं? और किडनी की फंक्शनिंग तो थोड़ा सा सुधार आ गया है और अभी देखते हैं। ये बीटी टेस्ट कहाँ से कराए हैं आपने? बीटी टेस्ट हमें डॉक्टर ने करने के लिए कहा था क्योंकि उनके पेट में स्टेन था, किडनी में स्टेन था। कहाँ से कराए? कहाँ से? पुणे से कराए। पुणे से कराए, पैट सीटी है ये, डॉक्टर सोलवा स्पेक्ट्रा लैब से उन्होंने कराया पुणे में। डीटीपीआई की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं पहले जो उनका किडनी फंक्शन था 69.6 एमएल पर मिनट था और अभी जो फंक्शन है 77.5 हो चुका है, 11 से 12 एमएल की वृद्धि हुई है इसके अंदर और अच्छे से उन्होंने फॉलो करी जैसे जैसे बताया था और 69 से बढ़ गई है, 77.5 तक आ चुका है। और ये मात्र हुआ है बहुत ज़्यादा लंबे समय नहीं क्योंकि ये इन्होंने बहुत पहले कराया था मेडिसिन लेने से, अभी ये मेडिसिन के बाद इन्होंने कराया है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। अब इसका ब्रेकअप अगर हम देखें DTPA की रिपोर्ट में, एब्डोमिनल फिल्ट्रेशन रेट यानी कि GFR जिसका बारी बारी जिक्र करते हैं हम अपने सभी जगहों के सभी पेशेंट्स को बताते हैं उसको कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आई है, तो आप ये देख सकते हैं जो GFR है पेशेंट का इस रिपोर्ट के अंदर, पहले वाली रिपोर्ट के अंदर GFR ML पर मिनट में बताया गया है, इसके अंदर 69.8 लेफ्ट किडनी का है, 7.7 जो है वो राइट किडनी का है और कुल मिला के 77.5 ML ये फिल्टर कर रही थी किडनियां दोनों मिला के पहले। और ये बाद वाली रिपोर्ट है कि इससे पहले जो फिल्ट्रेशन हो रहा था वो हो रहा था 64 हो रहा था लेफ्ट किडनी का और 4.9 हो रहा था राइट किडनी का, कुल मिला के 69 हो रहा, यानी कि जो 64.6 कर रही थी लेफ्ट किडनी वो बढ़ के हो चुकी है 69.8 और जो राइट किडनी जो निकालने के लिए बताया था 4 के आसपास थी वो बढ़ के हो चुकी है 7.7। तो किस प्रकार किडनी के फंक्शन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं अनेकों पेशेंट्स में बढ़ाया जा रहा है और ये अब किडनी निकालने के प्रोटोकॉल से भी बाहर आ चुके हैं, किडनी निकालने की भी इनको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि GFR इनका रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, राइट किडनी की फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर रही है। तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें।